ओम अज्ञानात् तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। आवाज़ ठीक नहीं आ रही आप लोगों की, हरी बोल। एको आ रही है, आवाज़ ठीक नहीं है, अजीब सी आवाज़ है। सो यहाँ जगन्नाथपुरी में कुछ बोलने का अवसर मिला, दैट्स अपने में वो सौभाग्य की बात है। और इतने सारे वैष्णव पता नहीं सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं वो पता नहीं मुझे, बट सुन रहे हैं शायद। कोई चुप करा सकता है? वैसे तो चलो माता जी इसको चुप कराना मुश्किल है। कैन यू प्लीज सिट क्वाइट एवरीबडी एक्चुअली। सो यहाँ जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी हम गौड़िया वैष्णवों के लिए बहुत स्पेशल जगह है, इनफैक्ट मायापुर से भी ज़्यादा। वो क्यों मैं बताऊंगा अभी, मगर और बाकी संप्रदाय, मधवा संप्रदाय, मतलब मधवा गौड़िया संप्रदाय हमारी है बट थोड़ा सेपरेट ही मानते हैं, मधवा संप्रदाय, श्री संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निबाट संप्रदायों के लिए और अन्य अन्य जगह इम्पोर्टेंट है। श्री संप्रदाय के लिए श्रीरंगम, मेलकोटे, मैसूर, अहोबलम, वो एरियाज इम्पोर्टेंट है, प्रॉब्ली सिमाचलम। मध्वा संप्रदाय के लिए उडुपी या धर्मस्थल, वो इम्पोर्टेंट है जगह। और इनफैक्ट मंत्रालय, उत्तराडी मठ, ये इम्पोर्टेंट है। निम्बार्क संप्रदाय के लिए सलेमाबाद उनका हेडक्वार्टर्स है। इनफैक्ट वृंदावन में जो नीम गांव है, सूर्य कुंड के पास नीम गांव है, वहाँ पे भी उनका हेडक्वार्टर्स है, वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। वल्लभ संप्रदाय के लिए चंद्र सरोवर, वृंदावन में एक जगह गोवर्धन के पास चंद्र सरोवर, वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और नाथद्वारा जो उनका हेडक्वार्टर्स है। गौड़िया वैष्णवों के लिए अगर आप पूछो कौन सी जगह इम्पोर्टेंट है, तो तीन इम्पोर्टेंट जगह हैं, एक्चुअली चार। पहली हुई वृंदावन, दूसरा है नवदीप मायापुर, तीसरा है कुरुक्षेत्र और चौथा है जगन्नाथपुरी। से इन चारों में से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है हम लोगों के लिए, डिपेंड करता है आप क्या कि उस मैगजीन में भक्ति विनोद ठाकुर ने कुरुक्षेत्र की महिमा बताई है। इनफैक्ट कुरुक्षेत्र को जगन्नाथपुरी के समान ही माना है। कुरुक्षेत्र और जगन्नाथपुरी एक ही माने जाते हैं, नवदीप मायापुर और वृंदावन को एक माना जाता है। भक्ति ठाकुर ने बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है, वो क्यों है मैं बताऊंगा, बट जगन्नाथपुरी क्यों स्पेशल है इतना, उसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि स्वयं जगन्नाथ जी यहाँ पे विद्यमान है, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा। सो जगन्नाथ का मतलब क्या है, उनका नाम जगन्नाथ है नहीं, जगन्नाथ का एक सीधा साधा मतलब है जो जगत के नाथ है ना, जगत के नाथ, जगतस्य नाथ इति जगन्नाथ, ऐसे ही होगा ना, जगत के नाथ जगन्नाथ। एक मतलब ये है सिंपल, जो पूरे संसार को रूल करते हैं, प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, नहीं जो आदि पुरुष हैं वो जगन्नाथ जी हैं। मगर ये जो मतलब है ये थोड़ा ऐश्वर्य मतलब है, ऐश्वर्य इस मतलब में सृष्टि, भगवान कृष्ण, महान, ये सब आ रहे हैं। जीवा गोस्वामी ने जगन्नाथ जी का एक और मतलब लिखा है जो गौड़िया वैष्णव समझते हैं। जगन्नाथ का एक और मतलब है जो जगत के नाथ। अब जगत क्या है, जगन्नाथ जी कौन है, कृष्ण है ना,
जगन्नाथ जी कृष्ण है, बलदेव जी बलराम है, इसलिए कृष्ण बलराम कभी यहाँ पे आई नहीं। बलराम जी गए थे ना, आपको पता है ना, जब रोमहर्षण को मार दिया था है ना बलराम जी ने तिनके से, तो बलराम जी को सारे बोलोला प्रीस्ट हैं कि आप जाके परिक्रमा करके आइए भाई पूरे पूरे भारत की। बलराम जी चाहते भी थे, बलराम जी ने कहा चलो अच्छा है। प्रीस्ट ने कहा भाई इस ये ब्राह्मण जो भी था ये व्यास गद्दी पे बैठा था, इसकी इसकी हत्या का पाप लगा आपको। बलराम जी को क्या पाप लगेगा, वो तो भगवान थे। मगर बलराम जी ने सोचा चलो अच्छा बहाना मिल गया, मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग नहीं लेना चाहता। वो निकल गए, उन्होंने कहा चलो हम चलते हैं। पूरे इंडिया का टूर लिया, जगन्नाथपुरी नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्योंकि बलराम जी ने सोचा भाई मैं जाऊंगा मेरी ही पूजा हो रही है, तो शर्म के मारे नहीं आए यहाँ पर। भगवान भी ऐसे नहीं, अब मैं कैसे देखूंगा मेरी पूजा हो रही है, भैया मैं नहीं जा रहा। कृष्ण भगवान भी जगन्नाथपुरी नहीं आए। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की पूजा तो आदि काल से चल रही है, सतयुग से चल रही है, ब्रह्मा जी ने स्थापना की है इस मंदिर की। कृष्ण भगवान नहीं आए क्योंकि कृष्ण जगन्नाथ है। अब कृष्ण भगवान का जो जगत है वो क्या है, वो वृंदावन है। इसलिए जगन्नाथ का एक और मतलब है जो गौड़िया वैष्णव समझते हैं, जो वृंदावन जो व्रजवासियों के नाथ हैं। यहाँ पे नाथ का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे नाथ का मतलब स्वामी नहीं हुआ, यहाँ पे नाथ का मतलब हुआ प्रेमी। जैसे नथ नहीं होती, नथ पहनते, सो नथ या तो जानवरों को पहनाया जाता है उनको भी नथ कहते हैं नहीं, या दुल्हन को पहनाया जाता है नथ। तो जानवरों को पहनाया जाता है कंट्रोल करने के लिए, दुल्हन को पहनाया जाता है प्रेम का प्रतीक है। सो जगन्नाथ का मतलब है कि कृष्णा वृंदावन के नाथ हैं, वृंदावन के प्रेमी हैं। महाप्रभु ऐसे ही जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे। कृष्ण कौन है, जो सारे व्रजवासियों के प्रिय है, वो एक जगन्नाथ का मतलब है। सो अब जगन्नाथ जी यहाँ पर हैं, वो एक इसलिए जगन्नाथपुरी स्पेशल इसलिए क्योंकि जगन्नाथ जी हैं। अब क्यों है इम्पोर्टेंट, क्योंकि जगन्नाथ जी जो है कृष्णा है, मगर कृष्णा प्रेम के भाव में है। आपने देखा अब जगन्नाथ जी का आंखें बड़ी ही बड़ी है ना, और हाथ ऐसे हैं, आपको स्टोरी तो पता होगी ना। वो स्टोरी ये है ना कि एक बार कौन थी वो देवकी माँ रोहिणी माँ से पूछ रही थी कि भाई मेरे को तो मौका नहीं मिला कृष्ण भगवान की बाल लीला देखने के लिए, आपने तो कृष्ण भगवान की बाल लीला का दर्शन किया है। रोहिणी जी ने किया था, रोहिणी तो वहीं रहती थी ना, तो उन्होंने रोहिणी से पूछा कि आप बताइए कि कृष्ण भगवान की लीलाएं कैसी थी। तो रोहिणी ने कहा कि मैं आपको बताऊंगी मगर पहले दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा सीक्रेट में, कि कृष्णा बलराम अगर आ गए यहाँ पर तो वो अपनी लीलाएं सुन के इतने पागल हो जाएंगे कि आपको छोड़ के वृंदावन चले जाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम है। तो देवकी ने कहा हाँ भैया मैं तो नहीं चाहती वो जाए, पहले आप बृहद भागवत अमृत पढ़ो सनातन गोस्वामी की, उसमें पहले सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं कृष्णा रोज रात को रोते रहते थे मुझे वृंदावन जाना है उद्धव से, सुबह सुबह उठ के छत पे खड़े होते थे अपने महल के द्वारका में, और छत पे खड़े होकर समुद्र के उस पार देखते थे। उद्धव जी पूछते थे कृष्णा आप क्या देख रहे हैं, तो कृष्णा कहते थे मैं व्रज की राह देख रहा हूं। श्री भगवान का मूड द्वारका में वृंदावन की याद आती रहती थी। देवकी कहने का भैया अगर पूरा याद आ गया तो वो तो अभी चले जाएंगे, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रोहिणी ने कहा ऐसा करते हैं, सुभद्रा को बोला कि तुम बाहर गेट पे खड़ी हो जाओ, और खड़े होके वहाँ पर गेट बंद कर देंगे, कृष्ण बलराम को अंदर मत आने देना। सो वो खड़ी हो गई वहाँ अंदर, देवकी रोहिणी को भगवान की बाल लीलाएं बता रही हैं, और सुभद्रा देवी भी कान लगा के सुन रही थी, उनको भी मन था सुनने का। सुभद्रा ने भी कौन सा देखा कृष्ण भगवान कृष्ण बलराम की बाल लीला, रुक्मणी जी ने भी नहीं देखा था, रुक्मणी जो वाइफ है, रुक्मणी जी को इतना
उत्साह था भगवान की बाल लीला के दर्शन करने का, कि रुक्मणी जी ने भगवान की बाल लीला बाल मूर्ति बनवाई विश्वकर्मा को बुलाकर, और वो मूर्ति आज भी है, जो बाल मूर्ति है भगवान कृष्ण की वो आज भी उडुपी में जो रुक्मणी जी ने बनवाई थी, सत्यभामा ने बनवाई थी। सुभद्रा ने कहा मैं भी सुनूंगी। सुभद्रा देवी सुनने लगी, जैसे जैसे सुनती गई सुभद्रा देवी प्रेम में विहवल हो गई, उनकी आंखें बड़ी हो गई, जैसे आप देखते हैं ना सुभद्रा बिल्कुल आंखें बड़ी हो गई, हाथ ऐसे हो गए। तो वहां से कृष्णा बलराम आ गए, कृष्णा बलराम ने कहा सुभद्रा ये क्या हो रहा है? सुभद्रा ने कहा मैं आपकी लीलाएं सुन रही हूँ। कृष्ण बलराम ने कहा हम भी सुनेंगे। सो भगवान ने ये दिखाया कि भगवान की लीलाएं इतनी आकर्षक है कि भगवान खुद सुनना चाहते अपनी लीलाएं। सुनते रहे तो सबकी आंखें बड़ी हो गई, एक्साइटमेंट में हाथ अंदर चले गए, जो ये रूप देखते वैसे ही बन गया सेम रूप। सो ये जगन्नाथ जी का जो रूप है वो कृष्णा है, मगर कृष्णा प्रेम में मग्न है, ये रूप है। तो श्याम सुंदर रूप है वृंदावन में, उसमें भी कृष्णा है, श्याम सुंदर है उसमें भी प्रेम है, मगर जगन्नाथ जी के रूप में प्रेम भी है और विरह भी है, इज एब्जॉर्ब्ड। कृष्णा कृष्णा ही कृष्णा कॉन्शियस है, ये समझ लो जगन्नाथ जी का रूप ही है। सबसे ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस कौन है जगन्नाथपुरी में? जगन्नाथ जी, ये समझ सकते हो आप। तो मजे की बात है कि जब व्यक्ति प्रेम में होता है तो अपने आप ही दयावान हो जाता है नहीं? जैसे भी अगर आपकी नई नई शादी होगी, मान लीजिए अभी शादी हुई आपकी, आप दुल्हन के साथ बाहर जा रहे हो, कोई भीख मांगने आ गया, भीख दोगे नहीं दोगे? आप इतने खुश हो यार ले तू ले 100 रुपए ले, दूसरा भिखारी तू भी ले 100 रुपए, आप इतने खुश हो गए शादी हो गई भी मेरी आज, वो एक अलग होता है। वैसे तो भिखारी को भगा देते हम, उस टाइम नहीं करेंगे हम, कि प्रेम है, मूड अच्छा है, मूड अच्छा होता है तो अपने आप अच्छी क्वालिटीज आती है नहीं? सत्संगत्वम नहीं संगत्वम, इसलिए भगवान कह रहे हैं एवं प्रसन्न मनसो, हमेशा खुश रहो। भक्ति की एक टेक्निक है खुश रहना, ब्रह्म भूत अप्रसन्न, जो खुश है वो पूरे लाइफ भक्ति कर लेगा, जो रोता रहेगा वो सुख में भी भक्ति नहीं कर सकता। सो भगवान बहुत खुश हैं, उनका मूड अच्छा है, मूड अच्छा है तो बहुत दयावान है, दैट्स द होल पॉइंट देयर। अपने आप ही आप कुछ भी मांगने जाओगे वो दे देंगे, कुछ भी मांगने जाओगे वो देंगे। इसलिए जगन्नाथपुरी सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, पहला रीजन है जगन्नाथ जी हैं, और जगन्नाथ जी का मूड अच्छा है और बहुत दयावान है, इसलिए हम यहाँ पे आते हैं, हम कुछ भी मांगेंगे उनसे वो दे देंगे। आप भक्ति मांगोगे भक्ति देंगे। बहुत लोग आते हैं अपनी भौतिक इच्छाएं मांगने भी, जगन्नाथ जी की इच्छा है पूरी करते हैं जो भी करते हैं, बट ही इज हैप्पी। और भक्त के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, शीला प्रभुपाद ने अपने पॉपट में लिखा है, आई थिंक गुरु महाराज भी एक बार लेक्चर में कह रहे थे, मुझे वो लाइन हिट की, प्रभुपाद को कोट करते हुए कि प्रभुपाद कह रहे हैं वी शुड सेटिस्फाई कृष्ण इन ऑल रिस्पेक्ट्स। भगवान को, हम भगवान को खुशी तो देखना चाहते हैं, हमारी लाइफ का एम ही है नहीं? आपकी लाइफ का एम क्या है? भगवान को खुश देखना चाहते हैं ना, अपने आप को थोड़े ना, हम चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, कृष्णा खुश हैं तो हम खुश हैं, यही भक्ति है ना, तत् सुख सुखित्वम। सो कृष्णा जब सबसे ज्यादा खुश होते हैं हम उनको देखना चाहते हैं। सबसे ज्यादा खुश कहाँ हैं? यहाँ पर। तभी तो आप देखो उनकी मुंह भी इतना बड़ा हो गया, आंख तो हो ही गई, मतलब हंस रहे ऐसे हैं कि मुंह ही फट जाएगा, पूरा ही यहाँ तक है, इज वेरी हैप्पी। इसलिए महाप्रभु भी जगन्नाथपुरी आए। वृंदावन जा सकते थे, वृंदावन गए भी थे चैतन्यप्रभु, बट जगन्नाथपुरी आए, क्योंकि जगन्नाथपुरी में एक कारण ये है, भगवान बहुत खुश हैं, और वो खुशी जो है बहुत खुश हैं और बहुत दुखी हैं दोनों साथ में। खुश है क्योंकि अपनी लीलाएं सुन रहे हैं, दुखी है क्योंकि वृंदावन से दूर है। और जब सुख और दुख साथ में मिलता है तो वो जो भाव है वो चैतन्य महाप्रभु का भाव है।
जगन्नाथपुरी ये। सो भगवान का एक स्पेशल भाव है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसलिए लोग आते हैं जगन्नाथ जी के पास मांगने के लिए, भक्ति जगन्नाथ जी देते हैं। सो पहला कारण ये है, जगन्नाथपुरी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जगन्नाथ जी हैं, उनका मूड अच्छा है और दयावान है। तो दूसरा कारण ये है, जगन्नाथपुरी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जगन्नाथ जी अकेले नहीं है, कौन है उनके साथ, बलदेव और सुभद्रा। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि भगवान की कृपा पाने के लिए हमें कृपा को रखना भी आना चाहिए, है ना। कृपा तो भगवान दे देंगे, आपको रखना ही नहीं आता तो ख़त्म हो जाएगा वो। भैया हम आपको खाना दे सकते हैं, अगर आपके पास थाली नहीं है तो क्या करेंगे, हाथ में देंगे गिर जाएगा। सो पात्रता चाहिए, कृपा पाने के लिए पात्रता भी चाहिए होती है, और वो पात्रता कौन देते हैं, वो बलदेव जी देते हैं। बलराम जी संधिनी शक्ति हैं, सत मतलब रखना, पकड़ना, संकर्षण पता है पकड़ना। बलराम जी शक्ति देते हैं कि जब जगन्नाथ जी कृपा करेंगे तो आप उसको अपने हृदय में रख पाओगे, वरना कृपा करेंगे और निकल जाएगी यहाँ से, स्लिप हो जाएगी। तो कैसे रख पाओगे, बलराम जी की कृपा से आपका हृदय शुद्ध होगा, और शुद्ध हृदय में कृपा को हम ले पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। अगर हृदय अशुद्ध रहेगा तो कृष्ण भगवान कितनी ही कृपा कर दें आपको कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि आप ले ही नहीं पा रहे। भाई धूप हो रही है बाहर, कपड़े नहीं सूख रहे, आपने धूप हो रही है कपड़े नहीं लटकाओगे बाहर तो सूखेंगे कैसे, धूप का फायदा नहीं उठा सकते आप। सो बलराम जी पात्रता देते हैं जगन्नाथ जी की कृपा लेने का, सो इंपॉर्टेंट है नहीं। प्लस सुभद्रा देवी है, सुभद्रा देवी योग माया है। योग माया क्या करती हैं, जब आप कृपा ले लोगे, बलराम जी पात्रता देंगे, आप कृपा रख लोगे अपने हृदय में, शुद्ध हो जाएगा हृदय, तो उस कृपा को समझने का विवेक देंगी सुभद्रा देवी। चित शक्ति हैं, विवेक समझते हो आप लोग, विवेक कैसे कहेंगे, बुद्धि, बुद्धि बुद्धि देती है सुभद्रा देवी कि कृपा को हम समझ पाए, पहचान पाए, जान पाए। क्योंकि कृपा को कभी कभी कृपा आ जाती है, चली भी जाती है, हमें पता ही नहीं लगता भगवान ने कृपा कर दी। कृपा को पहचानना बहुत मुश्किल है। एक माँ अपने बच्चे को थप्पड़ मारती है, बच्चे को लगता है कि मम्मी गंदी है, मम्मी को पता है कि मम्मी कृपा कर रही है, बच्चे को बड़े होके समझ आता है मम्मी ने बहुत कृपा किया मुझे मारा। या स्कूल में कुछ टीचर बड़े स्ट्रिक्ट होते थे, है ना, कुछ टीचर बहुत पीटते थे, पिटे हो आप लोग सब, हम तो बेल्ट से भी पिटे, बेल्ट से मारते थे, स्केल से मारते थे, है नहीं, होते थे ना, तो उस टाइम गंदे लगते थे, मगर बाद में याद आता था कि हाँ वो टीचर बड़े अच्छे थे, उसी सब्जेक्ट में बच्चे एक्सपर्ट होते थे। तो भगवान की कृपा, भगवान कभी कभी अपने भक्तों को मारेंगे, कभी कभी अपने भक्तों को प्रॉब्लम्स देंगे, कभी कभी अपने भक्तों को ऊपर उठाएंगे, मगर उठाएंगे गिराने के लिए, ऐसे भी भगवान है। कभी कभी भगवान चाहेंगे कि आप भक्ति से गिर जाओ, आपको ये क्या है, भगवान हमें भक्ति में, जगन्नाथ जी में भक्ति में गिरा देंगे, नहीं नहीं, भगवान को समझना असंभव है। हो सकता है अगर आपको भक्ति में अहंकार आ रहा है तो भगवान आपको भक्ति से गिरा देंगे, इसका अहंकार टूट जाए। और गिराने के लिए ऊपर भी उठाना होता है ना पहले, है ना, अब जमीन पे गड़े गड़े गिर थोड़ा गिरोगे, फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे तभी तो गिरोगे। सो भगवान कृपा कैसे करते हैं, कब करते हैं, समझना बहुत मुश्किल है। जब तक हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, जब तक सुभद्रा देवी की कृपा नहीं होगी, आपको समझ ही नहीं आएगा भगवान क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आएगा आपको। आपको हमें ऐसा लगेगा हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, मगर भगवान का प्लान कुछ और है। हमें लगेगा वो भक्ति में नीचे गिर रहा है, मगर भगवान का प्लान ही कुछ और है। या हमें लगेगा देखो भी बेचारा बीमार हो गया डिवोटी, भगवान की कृपा नहीं है, ऐसा नहीं होता। हमें लगेगा ये हेल्दी है तो भगवान की कृपा है, नहीं। कुंती महारानी क्या कह रही है, क्या है कुंती महारानी क्या कह रही है, विपदा संतु या तद्वत, है ना, पांडवों पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई
इतनी कठिनाई आई जो हम सोच भी नहीं सकते, मगर पांडवों पे सबसे ज्यादा कृपा। नारद मुनि ने आके बोला युधिष्ठिर महाराज से, युधिष्ठिर महाराज आपसे ज्यादा कृपा किसके ऊपर है? कृष्णा आपके संबंधी हैं, कृष्णा आपके गुरु हैं, कृष्णा आपके दोस्त हैं, कृष्णा आपके कुल में ही हैं, और फिर भी मजे आश्चर्य की बात है, भीष्म पितामह कह रहे हैं कि भगवान से इतना संबंध होने के बाद भी कृष्ण भगवान पांडवों को कितनी मुश्किलें आई है ना, तो वो मुश्किलें क्या थी? वो कृपा थी। अब उसको देखने के लिए आंखें चाहिए, बुद्धि चाहिए, वो सुभद्रा देवी देती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जगन्नाथपुरी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कृष्ण अकेले नहीं है, वृंदावन में तो कृष्ण और राधा है, राधा के साथ कृष्णा है, तो आप कृष्ण को समझ नहीं सकते, क्योंकि राधा का सब्जेक्ट मैटर तो और मुश्किल है। प्रभुपाद कह रहे पहले कृष्ण को समझेंगे फिर राधा को समझेंगे, अब कृष्ण कैसे समझें? वृंदावन में तो दाल नहीं गलेगी आपकी, जगन्नाथपुरी में हो जाएगा, क्योंकि यहां पे भगवान जगन्नाथ जी को समझने के लिए सुभद्रा देवी बुद्धि दे देंगी, और कृपा रखने के लिए शुद्धता बलराम जी कर देंगे, बस जगन्नाथ जी आपके साथ ही। दैट्स अ गुड आइडिया नहीं? इसलिए जगन्नाथपुरी हम गौड़िया वैष्णवों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कारण है जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा। ओके, तीसरा कारण यह है जगन्नाथपुरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जगन्नाथ जी की आंखें बहुत बड़ी हैं, आंखें है ना, अब उस रूप में सिर्फ आंखें हैं, फेस में नाक भी नहीं है, मुंह है और आंख है, बस दो ही चीजें हैं, आंख मेन प्रोमिनेंट है। सो जगन्नाथ जी की आंखें बहुत बड़ी हैं, क्यों इतनी बड़ी आंखें? क्या है वो जगन्नाथ अष्टकम में क्या कह रहे हैं शंकराचार्य, नया न पत नहीं शुरू में क्या है, कदाचित कालिंदी कटी तटे, उसके बाद कान आंखों के, हाँ सदा काले काले प्रमत्त मत वाले। जगन्नाथ जी की आंखें बहुत बड़ी हैं, क्यों इतनी बड़ी आंखें हैं? उसका कारण है एक, जगन्नाथ जी की आंखें इतनी बड़ी हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी आंखों से क्या कर रहे हैं? आंखें नॉर्मल भी हो सकती हैं, एक तो आनंद में बहुत बड़ी आंखें हो गई नहीं, मगर सिर्फ ये कारण नहीं है, जगन्नाथ जी ने जानबूझ के अपनी इतनी बड़ी बड़ी आंखें कर ली। क्यों? ये ऐसा लगता है आचार्य लिख रहे हैं कि जगन्नाथ जी को ढूंढ रहे हैं, जब वो ढूंढते हैं तो बड़ी बड़ी आंखें नहीं कर लेते, ऐसे तो कोई नहीं ढूंढता, ऐसे ढूंढता हाँ भाई कहाँ है, से कुछ ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? सो क्या ढूंढ रहे हैं? इतने सारे लोग जगन्नाथ जी के सामने जा रहे हैं और जगन्नाथ जी को सबके पाप दिखाई दे रहे हैं, ऐसे देखोगे तो पापी हैं हम क्या है, हम पाप के तो भंडार हैं। शिला प्रभुपाद कृष्ण कृपा मूर्ति हैं, हम कली पाप मूर्ति हैं, ऐसे ही है बस हमारा, ओके एटलीस्ट मैं आपका नहीं बता, आप तो वैष्णव हो, हम तो ऐसे ही हैं, करोड़ों जन्मों से पाप लेके घूम रहे हैं, अपराध सहस्त्रानी क्रियंत हर निशम मया बोलते ही हम। वल्लभ संप्रदाय में जाओगे वहाँ पे जब इनिशिएशन होती है ब्रह्म संबंध कहते हैं, वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा को ब्रह्म संबंध कहते हैं, वहाँ पे जब दीक्षा देते हैं तो वहाँ पे मंत्र बोलना पड़ता है, उस मंत्र का मतलब है हे कृष्णा मैंने करोड़ों जन्मों से करोड़ों अपराध करोड़ों पाप किए हैं, अब आप मुझे प्लीज स्वीकार कर लीजिए, ये मंत्र है। तो जगन्नाथ जी देखते हैं पाप ही पाप दिखाई दे रहे होते हैं, मगर जगन्नाथ जी मैंने बोला मूड अच्छा है ना तो कृपा करना चाहते हैं, अब कृपा करने के लिए कुछ भाना भी चाहिए होता है, ऐसे नहीं कर सकते वे, राजा किसी पे भी कृपा कर सकता है मगर कुछ भाना बनाना पड़ेगा, वरना मंत्री लोग कहेंगे यार आप ऐसे ही फ्री फंड में बांट रहे हो चीजें, प्रॉब्लम है, देवी देवता भी आ जाएंगे, सब लोग आएंगे यार अब ये क्या है, कोई रूल ही नहीं आपका। सो जगन्नाथ जी कुछ भाना चाहिए कृपा करने के लिए, सो इसलिए इतनी बड़ी बड़ी आंखें ढूंढ करके ढूंढ रहे हैं, करोड़ों जन्मों का स्कैन कर रहे हैं आपके, कहीं तो कुछ सेवा मिल रहा है, करोड़ों जन्मों को स्कैन करते जा रहे हैं, कुछ सेवा कहीं तो कुछ किसी 50 जन्म पहले कुछ तो किया होगा, तो वो ढूंढ रहे, थोड़ी सी भी सेवा मिल जाएगी तो लोगों को बोलेंगे देखो भाई इसने 50 जन्म पहले सेवा की थी मैं कृपा करता हूं, इसलिए बहाना ढूंढते हैं। भगवान ऐसे हैं कि कृपा, जगन्नाथ जी ऐसे हैं कृपा करने का बहाना ढूंढते हैं,
कृष्णा ऐसे नहीं है, वृंदावन कृष्णा ऐसे नहीं है। वृंदावन कृष्णा तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, भाई पहले छोड़ के आओ तब बात करेंगे, अभी नहीं कुछ होगा, कंडीशन है, कंडीशनल है। जगन्नाथ जी कहते हैं चलो आ जाओ मैं कुछ बहाना मार के पास कर दूंगा। इसलिए इतनी बड़ी बड़ी आंखें, अगर बहुत बड़े पहाड़ में आपको सुई को ढूंढना है तो आंखें बड़ी करनी पड़ेंगी, है ना। तो पाप के पहाड़ में वो ढूंढ रहे हैं कोई सेवा का छोटा सा अकाउंट, छोटी सी चिंगारी, और कृपा कर देते हैं चलो अभी लो। इसलिए जगन्नाथपुरी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तीसरा कारण ये तभी इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमें कुछ नहीं करना, हमें बस जगन्नाथ जी के सामने जाके खड़े हो जाने, बाकी काम वो कर लेंगे, हमें कुछ नहीं करना। ये ऐसा धाम है ये। और जो लोग मंदिर में जा नहीं सकते उसके लिए जगन्नाथ जी फिर कहते हैं बहाना मार के मैं ही बाहर आ जाता हूँ, वो भी बहाना है मुझे घूमने जाना है, बहाना ही है मुझे घूमने जाना है गुंडीचा, सो उस बहाने बाहर आ जाता हूँ। नाउ दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, नहीं। सो जैसे भक्त भगवान की सेवा करने के लिए बहाने मारता है, भोगी भोग करने के लिए बहाने मानता है, ऐसे भगवान कृपा करने के लिए बहाने मारते हैं जगन्नाथ जी। ये जगन्नाथ जी हैं, इसलिए जगन्नाथ पूरी तीसरा कारण हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बहुत, एटलीस्ट हम लोगों के लिए, हम जो गिरे पड़े हैं हमें कृपा तो चाहिए ना, तो यहाँ मिल जाएगी। तीसरा चौथा कारण जगन्नाथ पूरी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए। अब ये बहुत बड़ा डिस्कशन है कि महाप्रभु जगन्नाथ पूरी क्यों आए, ये बहुत बड़ा डिस्कशन है। वृंदावन क्यों नहीं गए, मायापुर में क्यों नहीं रहे, उसके बहुत सारे कारण हैं। बट एनीवे चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए और रहे, कितने साल रहे किसी को पता है, कितने साल रहे यहाँ पर? 24 साल अप्रोक्सीमेटली, उसमें से ट्रैवल भी किया उन्होंने, यू राइट, गमन आगमन 2 साल साउथ इंडिया ट्रिप के ले गए, बीच में 1 साल वृंदावन इधर उधर चले गए, 3 साल चले गए, 24 में से 3 साल गए, 21 साल अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर रहे। सो यहाँ पर रहे वो, और चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर क्यों रहे ये इम्पोर्टेंट है जानना, तब आपको पता लगेगा कि चैतन्य, एक तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर रहे हैं इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है ना। जे जना क्या है वो, जे स्थान गौरंगा देखी, कैसे है वो, भूली क्या है, हाँ, गौर हमारा जे सब स्थान है सही तो भ्रमण रंगे। सो जहाँ महाप्रभु जाएंगे हम वहीं जाएंगे, महाप्रभु यहाँ पर रहे हैं, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। बट चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर रहे हैं 24 साल तो मायापुर में भी रहे हैं, तो वो क्यों नहीं इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर रहकर हमें शिक्षाएं दी हैं। नवदीप मायापुर में रहकर शिक्षाएं नहीं दी उस तरह से जिस तरह यहाँ पे दी, नवदीप मायापुर में रहकर तो लीलाएं की हैं। महाप्रभु ने संन्यास लिया इसलिए था लोगों को सिखाने के लिए अपने आचार से और प्रचार से, और जगन्नाथपुरी में आकर उन्होंने शिक्षाएं बांटी अपने आचार से आखिरी 12 साल गंभीरा में रहकर, और अपने प्रचार से ट्रैवल करके। सो महाप्रभु यहाँ पे गुरु की तरह एक्ट कर रहे हैं, गुरु नवदीप मायापुर में नदिया बिहारी की तरह है, ही इज इंजॉइंग, मतलब वो इतना इंजॉय कर रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं गौरांग नागरी, हम लोग नहीं मानते, बट गौरांग नागर, नागर मतलब हीरो, ही सिंपली इंजॉइंग। यहाँ पे वो स्पिरिचुअल मास्टर की तरह एक्ट कर रहे हैं, गुरु की तरह, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें, हमारे लिए क्या, हमारे लिए महाप्रभु की शिक्षाएं इंपॉर्टेंट है, नहीं उनका आचार और प्रचार इंपॉर्टेंट है जिससे हम सीख सकते हैं। सो इसलिए जगन्नाथपुरी गौड़िया वैष्णवों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्षेत्र महाप्रभु ने शिक्षाएँ बांटी हैं, और हमारे लिए भगवान इंपॉर्टेंट है, भगवान से ज़्यादा उनकी शिक्षा इंपॉर्टेंट है क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही तो भगवान को प्राप्त करेंगे, वरना प्राप्त कैसे करेंगे। हरि भक्ति विलास में एक श्लोक आता है कि देव मनुष्यों से ऊपर देवता हैं, देवताओं से ऊपर गुरु है, और गुरु से ऊपर ज्ञान है।
कि गुरु भी गुरु इसलिए क्योंकि उसके पास ज्ञान है ना। तो महाप्रभु ज्ञान बांट रहे हैं, नॉलेज बांट रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे वो सिखाया है, चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे वो दिया है जो देने आए थे, उनका मिशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। महाप्रभु इस संसार को विरह रूपी प्रेम देने आए थे, यही है ना। आप चैतन्य अंत्य लीला पढ़ो, प्रभुपाद लिख रहे हैं द मूड इन सेपरेशन, प्रभुपाद एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियस में लिख रहे हैं लव इन द मूड ऑफ सेपरेशन। तो विरह रूपी प्रेम देने आए, वो महाप्रभु ने यहाँ पे दिया। इसलिए हमारे लिए ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट भक्ति सरस्वती ठाकुर जगन्नाथपुरी में आके उन्होंने मठ बनाया, गोवर्धन मठ वहाँ पर है, जो अब जो जो शंकराचार्य का मठ है उसके पास, वहाँ पे उन्होंने मठ बनाया और यहाँ पे रहे भक्ति सरस्वती ठाकुर। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि हमारे लिए जगन्नाथपुरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जगन्नाथ जी और महाप्रभु दोनों विरह मूड ऑफ सेपरेशन में, जगन्नाथ जी वृंदावन से विरह कर रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी से विरह कर रहे हैं, यू सी। सो इस जगन्नाथपुरी को विरह क्षेत्र बोलते हैं। इसके पास एक और जगह है अलारनाथ। भक्ति सिंह ठाकुर ने कहा कि अलारनाथ जगन्नाथपुरी क्या कहते हैं दुई गुणित विरह है। महाप्रभु को मायापुर में भी विरह हो रहा था, यहाँ पे विरह डबल हो गया, और अलारनाथ में विरह ट्रिपल हो गया, त्रिगुणित विरह। सो विरह क्षेत्र है ये, इसलिए यहाँ पर हम लोग आना चाहते हैं, महाप्रभु से हम लोग सीखना चाहते हैं, उनसे प्रेरणा लेना चाहते हैं कि हम भगवान को मूड इन सेपरेशन में प्रेम कर पाए। क्लियर हो गया। सो ये कौन सा रीज़न हो गया, चौथा रीज़न हो गया कि जगन्नाथपुरी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। और पांचवा रीज़न इम्पोर्टेंट इसलिए है जगन्नाथपुरी क्योंकि जगन्नाथपुरी में नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर यहाँ पे रहे हैं, 24 इयर्स यहाँ पे रहे हैं, महाप्रभु आए वो भी आ गए, हरिदास ठाकुर वहाँ पे रहे। और आप अगर सिद्ध बकुल जाएंगे वहीं पे रूपा गोस्वामी हरिदास ठाकुर को विजिट किए और वहीं पे महाप्रभु ने रूपा गोस्वामी को सारे वैष्णव आचार्यों से कृपा दिलवाई। जब रूपा गोस्वामी आए वृंदावन से तो महाप्रभु रूपा गोस्वामी सीधा हरिदास ठाकुर के पास जाते थे, सनातन गोस्वामी भी है ना, क्योंकि कस्टमरली वो सब मुस्लिम थे है ना, बाद में ब्राह्मण बने तो लोग अलाउ नहीं करते थे उनको, तो हरिदास ठाकुर के पास जाके रहते थे। महाप्रभु वहाँ पे आए, स्वरूप दामोदर, स्वरूप भट्टाचार्य, रामानंद राय सब लोग आए, सब लोग बैठ गए ऊपर, रूपा गोस्वामी नीचे बैठ गए। तो महाप्रभु ने रूपा सुनाओ तुमने जो लिखा है, रूपा गोस्वामी ने ललित माधव विदग्ध माधव की रचना की थी नाटक की, तो महाप्रभु ने कहा श्लोक सुनाओ। रूपा गोस्वामी शर्मा रहे थे, रूपा गोस्वामी सुना नहीं रहे थे, तो स्वरूप दामोदर जी ने ललित माधव का पहला श्लोक बोला, स्पेसिफिकली ये श्लोक बोला तुंडे तांडविनी। रूपा गोस्वामी श्लोक में लिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण का जो नाम है, जो ये दो शब्द हैं कृष्णा, इतने मधुर है कि जब मैं जप करता हूं तो मुझे लगता है मेरी 100 जीभ हो जाए, ऐसा लगता है 100 कान हो जाए। विश्वनाथ चक्र ठाकुर तो लिख रहे हैं कि वो एक स्टेप आगे जा रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि 100 कान हो जाए, 100 जीभ हो जाए, 100 शरीर हो जाए जिसमें 100 कान और 100 जीभ हो, ऐसा लगता है। सो सब गौड़िया वैष्णव बहुत खुश हुए। महाप्रभु ने प्रभुपाद लिख रहे हैं चैतन्य चरित में, महाप्रभु ने कहा सारे वैष्णवों से कि आप रूपा गोस्वामी पर आशीर्वाद दीजिए कि ये आगे और किताबें लिख पाए। सो जगन्नाथपुरी वही जगह है जहाँ पे रूपा गोस्वामी को सारे वैष्णव आचार्यों का आशीर्वाद मिला और जिससे रूपा गोस्वामी हमारे संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य बने। ऑफकोर्स रूपा गोस्वामी को आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, वो तो नित्य सिद्ध हैं, बट ये वो जगह है जहाँ पे महाप्रभु ने इस लीला में दिखाया कि रूपा गोस्वामी श्री चैतन्य मनोभीष्टम बोलते हैं ना, स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदामयम ददाति स्व पदांतिकम। वो श्लोक कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ।
यहाँ पे महाप्रभु का मनोभिष्ट पूरा करने की शक्ति रूपा गोस्वामी को मिली। सो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट जगह है, ये मिशन वाइज इंपॉर्टेंट है। छठा रीजन ये है, यहाँ ये इंपॉर्टेंट इसलिए जगह क्योंकि यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत बड़ा मठ खोला था यहाँ। पहले तो अपना उनका घर ही था वहाँ पे, जो मठ जो मॉल रोड पे मठ उनका घर ही था। फिर उसके बाद हरिदास ठाकुर की समाधि के पास उन्होंने खोला। भक्ति विनोद ठाकुर ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स किए। जब भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथपुरी आए थे, आपको जान के अजीब सा लगेगा कि जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और एक कुत्ता, कुत्ते की पूजा होती थी जगन्नाथ जी के साथ, पता है आपको? उस टाइम ये था, अजीब अजीब रीति रिवाज थे। भक्ति विनोद ठाकुर ने सब हटाया, सबको चेंज किया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का मंदिर रीहॉल किया, काफ़ी कंस्ट्रक्शन कराई, कथाएं शुरू कराई, जो जगन्नाथ जी का कंपाउंड नहीं है आभार, वहाँ कथाएं शुरू कराई। भक्ति विनोद ठाकुर ने अपना रेवोल्यूशनरी मूवमेंट यहाँ पे शुरू किया है बेसिकली जगन्नाथपुरी में। ऑफकोर्स मायापुर में भी वो उन्होंने योगपीठ और वो करवाया, वही डिड अ लॉट ऑफ वर्क हेयर। और भक्ति सेंस ठाकुर का जन्म ही यहाँ पर हुआ जगन्नाथपुरी में। भक्ति सेंस ठाकुर का जन्म हुआ, भक्ति विनोद ठाकुर ने उनका नाम रखा विमल प्रसाद, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में विमला देवी हैं पीछे, और विमला देवी से प्रार्थना की कि मुझे पुत्र दीजिए कि जगन्नाथ जी की सेवा के लिए महान भक्त चाहिए। तो भक्ति सेंस ठाकुर का जन्म हुआ, वो जन्म स्थान भी यहाँ पे गौड़िया मठ जो है अभी मॉल रोड पे, वो जन्म स्थान ही है। इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट, हमारे मेन आचार्य का जन्म स्थान यहाँ पर हुआ है। शिला प्रभुपाद भी जगन्नाथपुरी आते थे बहुत बचपन से, प्रभुपाद भी जगन्नाथ जी से अटैच थे, रथ यात्रा निकाली थी जगन्नाथ जी की, शिला प्रभुपाद का भी मन जगन्नाथपुरी में था। सो हमारे महान मानाचार्यों का हेडक्वार्टर जगन्नाथपुरी रहा है। और सिर्फ जगन्नाथपुरी गौड़िया वैष्णव ही नहीं है, रामानुजाचार्य यहाँ पर आए हैं, शंकराचार्य यहाँ पर आए हैं, वल्लभाचार्य यहाँ पर आए हैं, गुरु नानक जी भी यहाँ पर आए हैं। गुरु नानक पता है ना आपको? ओके, कुछ लोग कहते हैं क्राइस्ट भी यहाँ पर आए हैं। क्राइस्ट को क्या बोलते हैं? ईशु मसीह कहते हैं ना, क्या कहते हैं जो भी, जीसस क्राइस्ट यहाँ, कुछ लोग ऐसा कहते हैं रिसर्च जगन्नाथपुरी यहाँ। ओके, निम्बार्काचार्य यहाँ पर आए हैं। ऐसा कोई आचार्य ही नहीं हुआ जिसने जगन्नाथपुरी के दर्शन नहीं किए। इसलिए जगन्नाथपुरी हमारे लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि इतने बड़े बड़े आचार्यों का चरण पड़ा, सबके मठ हैं आसपास, सारे आचार्यों के मठ आसपास हैं। इनफैक्ट जगन्नाथपुरी, ऑफकोर्स तो कितने कारण हो गए जगन्नाथपुरी, कितने हो गए? सिक्स, छः। जगन्नाथपुरी एक और कारण से बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है जगन्नाथपुरी क्योंकि जगन्नाथपुरी में जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे, तो वो दर्शन जो होते थे महाप्रभु और जगन्नाथ जी के, वो अलग, उसमें जो भाव था जगन्नाथ जी का और महाप्रभु का, आप चैतन्य चरितमृत अंत्यलीला पढ़ो, शिला प्रभुपाद की बुक्स, प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं जब महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं, और जब जगन्नाथ जी महाप्रभु के दर्शन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। इनफैक्ट जब रथ यात्रा होती थी, सेसी में आता है, तो महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने डांस करते थे, है नहीं? और डांस करते करते जानबूझ के पीछे चले जाते थे, तो रथ वहां पे रुक जाता था क्योंकि जगन्नाथ जी मुड़ के पीछे देखते थे। सो ये वो जगह है जहां पर भगवान अपने भक्त को ढूंढ रहे हैं और भक्त भगवान को ढूंढ रहे हैं। महाप्रभु भक्त की तरह एक्ट कर रहे हैं ना। जयदेव गोस्वामी यहाँ पर आए हैं, जो आपका सॉन्ग है, जो कौन सा है, श्रित कमला कुछ मंडल है, त्रितकुंडल है, कलिता ललिता वनमाला जया जया देव हरे, सुना? ये सॉन्ग यहाँ पे कंपोज किया जयदेव गोस्वामी ने, जो कि चैतन्य महाप्रभु सुनते थे बार बार।
इनफैक्ट एक बार अद्वैत आचार्य जी आए जगन्नाथ, मैं ऑफकोर्स हर महीने गौड़, महाप्रभु के दो ग्रुप के डिवोटीज थे, एक ओडिया डिवोटीज एक गौड़िया डिवोटीज, पता है ना, ओडिया डिवोटी स्वरूप दामोदर रामानंद राय, गौड़िया डिवोटीज अद्वैत आचार्य शिवानंद सेन और जो भी है चंद्रशेखर आचार्य सभी थे। तो सब लोग चतुर्मास्य में आते थे यहाँ पर, यहाँ पर आते थे सब लोग, और यहाँ पर आके महाप्रभु का दर्शन करते थे, चार महीने यहाँ पर रहते थे। तो अद्वैत आचार्य जी आए, एक बार आए सब लोग आए, तो सीधा सारे सारे डिवोटीज महाप्रभु से जाके मिले। अद्वैत आचार्य जी से महाप्रभु ने पूछा, महाप्रभु ने पूछा, अद्वैत आप मेरे पास आए, आपने जगन्नाथ जी के दर्शन किए? अद्वैत आचार्य ने कहा हाँ मैंने किए, उस बार उन्होंने दर्शन कर लिए थे, पहले सीधा यहाँ पे नहीं आए। तो महाप्रभु ने कहा अद्वैत तुम हार गए मुझसे। तो अद्वैत आचार्य ने कहा मैं कैसे हारा आपसे? तो महाप्रभु ने कहा देखो तुमने जगन्नाथ जी की परिक्रमा की, अद्वैत आचार्य ने कहा की मैंने परिक्रमा, तो उन्होंने कहा जब तुम जगन्नाथ जी के पीछे गए तो उस क्षण के लिए जगन्नाथ जी के दर्शन तुम कर नहीं पाए, मैं जगन्नाथ जी की परिक्रमा नहीं करता क्योंकि मैं एक क्षण के लिए भी जगन्नाथ जी को अपनी आंखों से दूर नहीं देख सकता। आचार्य ने कहा फिर तो मैं पक्का आपसे हार रही हूं, आपको कौन हरा सकता है? इसका मतलब ये नहीं हम परिक्रमा ना करें, परिक्रमा करनी चाहिए हम लोग ना। और उनकी साधना कुरुक्षेत्र है, ये धाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस धाम में वृंदावन भी है, कुरुक्षेत्र भी है। और वृंदावन तो वैसे गुंडीचा मंदिर है ही, है ना, वहीं जाती है ना रथ यात्रा। महाप्रभु का हृदय भी वृंदावन है, और साधना जो महाप्रभु ने की वो कुरुक्षेत्र की साधना है। भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु 24 साल जगन्नाथपुरी में थे, होके भी नहीं थे क्योंकि कुरुक्षेत्र में थे, उनका मन कहाँ था? कुरुक्षेत्र में। अंत्यलीला पढ़ो आप, क्यों? क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में डांस कर रहे थे तो जगन्नाथ जी के दर्शन करके उन्होंने एक श्लोक बोला, पता है ना, यह कौमार हरम श्लोक है, ब्यूटीफुल श्लोक। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करके बोल रहे हैं कि वही नर्मदा है और नर्मदा के किनारे हम आज दो प्रेमी मिले हैं बहुत समय बाद, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कौन क्या कह रहा है, मगर रूपा गोस्वामी समझ गए और उन्होंने इस श्लोक का मतलब एक पत्तल पे लिख दिया और ऊपर लगा दिया। और जब नहाने गए तो महाप्रभु पीछे से आए और चैतन्य महाप्रभु ने पत्तल निकाला, उन्होंने देखा और रूपा गोस्वामी ने उसका मतलब लिखा। रूपा गोस्वामी ने क्या मतलब लिखा? रूपा गोस्वामी ने मतलब लिखा कि जब राधा रानी कृष्ण से मिल रही थी कुरुक्षेत्र में, तो श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को यही बोला कि हम आप भी वो हैं, हम भी वो हैं, हमें मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, मगर इतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि वृंदावन में हम जब मिलते थे तो आधा अच्छा लगता था, वृंदावन में आपका मिलन होना चाहिए। पूरी चैतन्य अंतरीला यही तो है, महाप्रभु इसी भाव में है, यहाँ पर जब जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं इसी भाव में है कि कुरुक्षेत्र में जब राधा कृष्ण मिले थे जो भाव था राधा रानी का वही भाव चैतन्य महाप्रभु का है, यही चैतन्य चरितमृत का अंत्यलीला है। सो तभी मैंने कहा था जगन्नाथपुरी क्या है? कुरुक्षेत्र। कुछ लोग कहते हैं जगन्नाथपुरी द्वारका है, ऐसा भी है, और गुंडीचा मंदिर क्या है? वृंदावन। बट अगर साधना के दृष्टिकोण से देखें तो जगन्नाथपुरी कुरुक्षेत्र है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम गौड़िया हैं, हम महाप्रभु के अनुयायी हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत बड़े बड़े आर्टिकल लिखे हैं, प्रभुपाद ने भी चैतन्य चरितमृत के अंत्यलीला में लिखा है, आप प्रभुपाद की बुक्स पढ़ो। सो जगन्नाथपुरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें यहाँ पे साधना करने को सीखने को मिलता है, साधना की विधि हमें समझ आती है, हम क्या करें बैठ के, कैसे भगवान को हम जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। जगन्नाथपुरी को छोटी मोटी जगह नहीं है, हम बड़ी जगह पे आए हैं। जगन्नाथपुरी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारे तीर्थ यहाँ पर हैं। ये जो समुद्र है इसको बोलते हैं महाबोधि, है ना, जगन्नाथ अष्टकम में आता है ना, महाबोधेश तीरे कनक अरुचिरे, कनक अरुचिरे कैसे इस तीरे कनक अरुचिरे कैसे, उसके बाद श्रेणी रुचिरो,
मुझती रे कनक रुचि रे श्रेणी रुचि रहेंगे। सो महाबोधि, महाबोधि ये सागर को महाबोधि कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जब हरिदास ठाकुर की समाधि दी तो चैतन्य आपने अनाउंस किया कि आज से पूरा सागर तीर्थ है, हम लोगों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ यही है, सबसे बड़ा तीर्थ। सारे तीर्थ यहाँ पे महाप्रभु, हम इसको समुद्र की तरह नहीं देखते, हम तीर्थ की तरह देखते हैं। इनफैक्ट दुनिया के सारे समुद्री तीर्थ हैं, उपनिषदों में आता है सारे समुद्र तीर्थ है, क्योंकि सारी नदियाँ समुद्र में तो मिलती हैं, गंगा सागर कृष्णा सब। मगर ये सारे तीर्थों का भी तीर्थ तीर्थ राज माना गया है समुद्रों में। महाबोधि, बोधि नहीं महाबोधे स्थिर है। इसलिए अगर आप यह समुद्र में स्नान करोगे तो समझ लो दुनिया के सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। ज़्यादा अंदर मत जाना, मर भी सकते हो कई डिवोटी मर चुके हैं यहाँ पे ज़्यादा तीर्थ में स्नान करने के चक्कर में, थोड़ा ध्यान रखना। सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा, कई भक्त ज़्यादा ही शुद्ध होने के चक्कर में असली में शुद्ध हो गए। बट दैट्स हाउ इट गोज देयर। सो महाबोधे ये जगन्नाथपुरी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, स्थल पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण में स्थल पुराण आते हैं, शास्त्रों में लिखा है जब देवी देवता ऊपर से जाते हैं तो उनको जगन्नाथ जी के निवासी चार हाथ के रूप में दिखाई देते हैं। जगन्नाथपुरी में रहने से ही मुक्ति हो जाती है, चाहे भक्ति करो ना करो, ये भी शास्त्रों में लिखा है। जगन्नाथपुरी में सोने से ही दंडवत हो जाता है, चाहे आप ऐसे दंडवत करो ना करो। जगन्नाथपुरी की महिमा भूतों ना भविष्यति है। और जगन्नाथपुरी में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि सारे गंगा माता गोस्वामिनी सर्वम भट्टाचार्य, हमारे गौड़िया वैष्णवों की ऐसी ऐसी लीलाएं हुई हैं जो आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। सारे गौड़िया वैष्णवों का ये हेडक्वार्टर्स माना गया जगन्नाथपुरी। सो इसलिए जगन्नाथपुरी हम वैष्णवों, गौड़िया वैष्णवों के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, ऑफकोर्स हमें अपने मन में सोच ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग जगन्नाथ जी के दर्शन के योग्य हैं, दर्शन तो सभी कर सकते हैं। बट चैतन्य महाप्रभु जब दर्शन करने जाते थे तो गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होते थे, है ना, क्योंकि महाप्रभु सोचते थे कि जगन्नाथ जी मुझे क्यों देखेंगे, तो गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होते थे ये सोच के कि महाप्रभु गरुड़ जी को देखेंगे तो शायद मुझ पर दृष्टि पड़ जाए। महाप्रभु ने इसी धाम में भगवान के दर्शन करना सिखाया है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। भगवान के दर्शन कैसे किए जाते हैं, जो भगवान के पास आके दर्शन करता है वो भगवान से बहुत दूर होता है, जो भगवान से दूर रह के दर्शन करता है वो भगवान के बहुत पास होता है। ये भाव है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे ना बैठे हो, कल से लेक्चर होगा सब पीछे बैठे आगे खाली क्योंकि दूर, वो मतलब नहीं कह रहा मैं। मतलब ये है कि जिसके जो दूर रहना, मतलब जिसके हृदय में दीन भाव है कि मैं अगर वैष्णवों के पीछे रहूँगा, वैष्णवों की सेवा करूँगा तो भगवान की दृष्टि मुझ पर पड़ेगी। आइडिया ये है, आगे आने की कोशिश मत करो, संसार में आगे जाने से आगे बढ़ोगे, भगवान के आध्यात्मिक जगत में आगे जाने से पीछे हो जाओगे, तो सबसे पीछे और सबसे नीचे रहेगा उस पर भगवान की पहले दृष्टि जाएगी। महाप्रभु ने हमें दर्शन करना सिखाया है, यहाँ पर जगन्नाथ जी के दर्शन कैसे किए जाते हैं। महाप्रभु ने हमें सीसी में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, दिन में महाप्रभु प्रचार करते थे और रात में कीर्तन। मैं श्लोक भूल गया एग्जैक्टली, इट्स ब्यूटिफुल वर्स। दिन में प्रचार रात में कीर्तन, महाप्रभु ने सिखाया कि भक्त कैसा होता है। भक्त केवल कीर्तन नहीं करता, मतलब जगन्नाथ, वैसे बाय द वे जगन्नाथपुरी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि दुनिया की सारी गंदी चीज़ें यहाँ पे पैदा हुई हैं, अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, सारी गंदगी जगन्नाथपुरी में पैदा हुई है, सारी अपसंप्रदाय यहाँ पे पैदा हुई है, मेन औला अति बाड़ी बौला नेडा नाडी सुना है ना आप लोगों ने, सब यहीं पे पैदा हुए हैं, सबकी नींव यहीं है।
अति बाड़ी तो महाप्रभु, उसको जो फाउंडर है महाप्रभु ने ही बोल, महाप्रभु के सामने आके बोल रहा था वो कि आप कृष्ण हैं, मैं राधा हूँ। महाप्रभु को बोल रहे, महाप्रभु रोड पे जा रहे थे, वो आया तो महाप्रभु को, महाप्रभु को जगन्नाथपुर में महाप्रभु कोई नहीं बोलता था, महाप्रभु को जगन्नाथपुर में गोसाई जी बोलते थे, गोसाई चैतन्य पढ़ो गोसाई बोलते थे। तो वो आए तो उन्होंने कहा भाई गोसाई, उन्होंने कहा गोसाई जी तुम ही राधा, तुम ही कृष्ण, आम ही राधा। महाप्रभु ने क्या बोला? महाप्रभु बोल सकते थे गेट लॉस्ट। महाप्रभु ने बोला अति बाड़ी। महाप्रभु ने अति बाड़ी मतलब अति बड़ा, मतलब बड़ा, तुम बहुत महान हो, ये बोल दिया। उसने इसको सरकाजम की तगे कॉम्प्लीमेंट ले लिया। कॉम्प्लीमेंट समझ कैसे आएंगे? उसने सोचा महाप्रभु मेरी बड़ाई कर रहे हैं, और एक सेक्ट शुरू कर दिया अति बाड़ी। बहुत सारी मैं चीज़ें बोल नहीं सकता यहाँ पर, जगन्नाथपुर में बैठे, बट और भी चीज़ें हैं, मगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे पैदा हुई हैं। यहाँ से पूरे संसार में अपसंप्रदाय फैल गई, इधर उधर बहुत प्रॉब्लम्स हुई। सो इसलिए भी इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छाई भी समझ आएगी और बुराई भी समझ आएगी, और बुराई समझना भी ज़रूरी है। चैतन्य महाप्रभु रोक सकते थे सब कुछ, ऐसी बात नहीं है, महाप्रभु खुद ही है। महाप्रभु का कॉन्टैक्ट तो प्रताप रुद्र से थे, प्रताप रुद्र उनका शिष्य है। महाप्रभु बोलते प्रताप रुद्र से भाई सबको ख़त्म कर दो रातों रात, सब खत्म हो जाते, कर सकते थे फिनिश, निकाल दो सबको। महाप्रभु ने ऐसा किया नहीं, महाप्रभु ने जानबूझ के इन अपसंप्रदाय को बढ़ने दिया, खुद ही को हरे कृष्ण, खुद ही कॉम्प्लीमेंट दे दिया, अति बाड़ी हो गया। हरे कृष्ण, लाइट आएगी क्या? ओके, जस्ट दो मिनट और, दैट्स ऑल, आई जस्ट फिनिश देयर। सो मैं क्या कह रहा था कि जगन्नाथपुरी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सारी संप्रदायों और सारी अपसंप्रदायों का जन्म हुआ। मैं यही कहने वाला था कि जैसे रोशनी को, प्रकाश को समझने के लिए अंधेरे की भी ज़रूरत है, फिर लाइट ही चली गई, यही डायलॉग बोलने वाला, अंधेरा हो गया। उसी प्रकार अच्छी चीज़ को समझने के लिए बुराई भी ज़रूरत होती है। सो आपको सत्य की कोई वैल्यू नहीं पता लगेगी अगर आपने झूठ नहीं देखा होगा, है ना? सो इसलिए महाप्रभु ने इन्हीं अपसंप्रदायों के यहाँ पर जन्म लेने दिया, रोका नहीं, कि जिससे हम लोग समझ पाएँ गलत क्या है और सही क्या है, उसका विवेक आ पाए हमें। इसलिए महाप्रभु ने अलाव किया इन अपसंप्रदाय को पनपने के लिए, यहाँ पर रोका नहीं। महाप्रभु को पता था कि आगे जाके क्या प्रॉब्लम होगी, बट उन्होंने रोका नहीं। सो कभी कभी क्या होता है, हीरा ज़्यादा चमकता है कोयले के खान में, है नहीं? उसी प्रकार अच्छी चीज़ें जो होती हैं उनको एप्रिशिएट करने के लिए ज़्यादा एप्रिशिएट कर पाते हैं अगर बुराई भी साथ में हो। जैसे भी एक क्लास में अगर सब झूठ बोलते हो और उसमें एक बच्चा सच बोलता है तो आपको ये अच्छा है ना, सभी सच बोलते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो महाप्रभु ने आने दिया पसंप्रदाय को। और जगन्नाथपुरी इसलिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जगन्नाथपुरी से ही महाप्रभु ने अपना प्रचार शुरू किया। प्रचार तो वैसे चलो नवदीप मायापुर में अपना कीर्तन मूवमेंट शुरू कर ही दिया था, बट जगन्नाथपुरी से ही महाप्रभु ने रूप सनातन को वृंदावन भेजा कि आप लोग जाइए वहाँ। रघुनाथ दास गोस्वामी को यहीं से जगन्नाथपुरी में, रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पर रहे, कितने साल रहे जगन्नाथपुरी में एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, काफ़ी साल, मतलब 12 13 14 साल तो रहे होंगे जगन्नाथपुरी में, क्योंकि संन्यास के बाद में आ गए थे। सो रघुनाथ गोस्वामी हमारे प्रयोजनाचार्य यहाँ पर रहे हैं, और यहीं से रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन गए, और वृंदावन में जाकर रघुनाथ दास गोस्वामी डायरी लेके गए थे, स्वरूप दामोदर जी की, जो नोट्स था, कड़चा कहते हैं उसको, प्रभुपाद लिख रहे हैं। और वहाँ पे जाकर रघुनाथ गोस्वामी ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी को दिया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उस नोट्स के अकॉर्डिंग चैतन्य चरित अंत्य लीला लिखी। सो अंत्य लीला का जन्म ही यहाँ पर हुआ है, जो कि मेन चैतन्य चरित का अंत्य लीला ही मेन पोर्शन है। मध्य लीला, आदि लीला की जो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन है वो पहले से मुरारी गुप्त जी का जो चैतन्य
चरितामृत, उसमें ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ संस्कृत में। तो कृष्ण स्वामी लिख रहे हैं हाँ ऐसा है। चैतन्य भागवत में भी बहुत डिटेल है, चैतन्य चैतन्य अंतिम लीला किसी को नहीं पता थी, महाप्रभु ने किया कि यहाँ पर 24 साल, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से गई है। रघुनाथ गोस्वामी लिखे गए, रघुनाथ गोस्वामी यहाँ से गए, रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया प्रीचिंग करो यहाँ से। रामानंद राय जी ने जगन्नाथ वल्लभ नाटक यहाँ पे कंपोज किया, प्रभुपाल लिख रहे चैतन्य चरितमृता में, महाप्रभु बहुत सुनते थे वो। जितने भी सॉन्ग्स थे बिलबंगला ठाकुर, जयदेव गोस्वामी, चंडीदास, सबके सॉन्ग्स महाप्रभु यहाँ पे सुनते थे। सो महाप्रभु का जो मिशन है प्रचार का, वो यहीं से आगे बढ़ा है। सो इसीलिए भी जगन्नाथपुरी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इन सारे कारणों से जगन्नाथपुरी हम गौड़िया वैष्णवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है। हमारा सौभाग्य हम यहाँ पे जगन्नाथपुरी में आ ही गए, प्लस डबल सौभाग्य है कि गुरु महाराज की व्यास पूजा भी है, जिनकी वजह से हम जगन्नाथपुरी को देख पाएंगे और समझ पाएंगे। आज मतलब हम व्यास पूजा यहीं पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो हमारा सौभाग्य है प्लस द्विगुणित सौभाग्य कह लो इस तरह से। सो इसलिए आप लोग ये सारी चीज़ें ध्यान रख के जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिएगा और यहाँ पर आकर समय यूटिलाइज़ कीजिए। आप चलो हम कैंप में हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जगन्नाथ जी के दर्शन करने भी जाओगे, यहाँ से भी रह के जगन्नाथ जी से प्रार्थना कर सकते हो। जगन्नाथ जी की जब रथ यात्रा निकलती है तो सब दूर दूर से जगन्नाथ जी को प्रसाद ऑफर करते हैं, नहीं पास में लाने की भी ज़रूरत नहीं है ना, सब घर में बना के दूर से दिखा देते हैं और जगन्नाथ जी स्वीकार कर लेते हैं। हरिदास ठाकुर तो अपने सिद्ध बकुल पे बैठ के जगन्नाथ मंदिर अलाउड नहीं थे जाना, तो दूर से उनका चक्र देखते थे ऊपर, फ्लैग जो है फ्लैग और चक्र। तो जगन्नाथ जी इतने कृपा के सागर हैं कि अगर आप जाओ भी नहीं वहाँ पर, दूर से ही उनके फ्लैग और उसका दर्शन कर लो या अपने मन में भी स्मरण कर लो तो उनकी कृपा मिल जाती है। सो इसलिए क्या बोलूँ मैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय, गुरु महाराज की जय, हरे कृष्णा शिला प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक टाइम हो गया है सबको, महाप्रसादे गोविंदे पहले शुरू हो चुका है। ठीक है, हरे कृष्णा शिला प्रभुपाद की जय। थैंक यू। हरे हरे कृष्णा। केशवानंद प्रभु का बहुत बहुत आभार, उन्होंने बहुत सुंदर भगवान श्री जगन्नाथ के बारे में, इस धाम की महिमा, भगवान जगन्नाथ के दर्शन की महिमा का बताया। अभी प्रसादम चालू है और कल सुनिए, कल हम दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण मतलब इवेंट्स हैं। एक तो नगर संकीर्तन 4:30 बजे पूरी म्यूनिसिपल मार्केट, जो गौड़ीय भगवान ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी का जन्मस्थान जो गौड़ीय मठ है उसके नज़दीक ही ये पूरी म्यूनिसिपल